आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया, आज साजा विधानसभा क्षेत्र के धमधा ब्लॉक मुख्यालय में सब्जी और फल मंडी का लोकार्पण होगा, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। राहुल गांधी भी यही चाहते थे कि मंडी किसान के घर के नजदीक होनी चाहिए, उनके गाँव के नजदीक होनी चाहिए और हमारा प्रयास यही है। राज्य में चावल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है, इसलिए भारत सरकार से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी थी। एथेनॉल का रेट तय करने की बात भी कही थी, लेकिन भारत सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वहीं विद्युत कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश का पालन करना हमारी बाध्यता है। अब यदि एग्जाम होते हैं तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है, कुछ बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं, पर सबको नहीं। हमारे साथ दोहरी परेशानी है। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। जी कहते हैं कि मंडी किसान के घर के नज़दीक होना चाहिए, उसके गांव के नज़दीक होना चाहिए, और हमारा भी प्रयास ये है कि वही सब्जी या फल दुर्ग रायपुर और दूसरे जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी और दूसरे भी रेट का भी, जिसमें बहुत अंतर आता है। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके उत्पादन का लाभ मिले, ये सोच कांग्रेस की रही है और इसको बढ़ाते हुए, चाहे फल उद्यान की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे लघु उपज की बात हो, चाहे किसानों की, हमारी सरकार बनने के बाद 2400 हमारे धान खरीदी केंद्र हमने खोला, सोसाइटी जो 1300 था उसे बढ़ा के 2000 कर दिया, और इसकी यही कारण है कि 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के बाद कहीं ना किसानों को धान बेचने के लिए परेशानी हुई, ना पेमेंट भुगतान की परेशानी हुई। तो किसानों को और उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे, ये हमारा प्रयास। आज साझा विधानसभा के धमधा ब्लॉक मुख्यालय में किसानों के बड़ा सम्मेलन, और साथ ही वहाँ जो कृषि उपज मंडी के द्वारा बनाया गया हमारे कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में सब्जी और फल मंडी, इसका भी लोकार्पण होगा। तो जो हमारे खासकर धमधा साजा और दुर्ग के आसपास बड़ी संख्या में लोग फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा और इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। का पहला योजना देश में अभी तक के विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनती रही, और किसान मजदूरों को डायरेक्ट फंडिंग की पहली योजना है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल लागू किया, 2 किस्त उसमें मिला भी है, 6000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से, लेकिन इस साल से बजट में हमने उसे 7000 रुपये कर दिया है। तो एक साल में जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और खेतिहर मजदूर है, ऐसे लोगों को भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत उसे 7000 रुपये मिलेगा। विद्युत कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, विद्युत कर्मचारी, देखिए विद्युत जो कर्मचारी है उसके भर्ती की प्रक्रिया चली, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश के पालन करना हमारी बाध्यता है। अब यदि उसमें एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसके कुछ बोनस हम दिया जाए, लेकिन यदि सबको यदि लेने की बात है तो दूसरे लोग फिर न्यायालय चले जाएँ, तो दोहरी हमारे साथ परेशानी। सर, 4 महीने प्रस्तावित आपका दौरा सामने आ गया है, फिर से तीसरी लहर हम लोग समझ रहे थे कि अब वो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से और उसने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं, मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की सूचनाएँ मिल रही है, हम लोग भी इस विचार करेंगे, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो प्रारंभिक रूप से जिसके सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए आगे जारी करेंगे।